जय हिंद साथियों, मैं भाई कुमार रनिया सर आप सभी का स्वागत करते हैं बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी गांधी मैदान से। जैसा कि अभी फायरमैन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसका कितना कटअप जाएगा और क्या कब तक रिजल्ट आएगा, ये सब जहां तक अभी वेरिफिकेशन का काम जो चल रहा था, जो जिसका डॉक्यूमेंट थोड़ा मिसमैच था, उस सबको बुलाकर आयोग द्वारा उस सबको स्पष्टीकरण कर लिया गया है और सबको अच्छे तरीके से सबका वेरिफिकेशन हो गया है। अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम चला है, किसी न किसी के थ्रू मालूम चला है कि सबका सब कुछ बनकर तैयार है और मे भी 10 तारीख के आसपास संभावना है 10 तारीख के आसपास रिजल्ट आपका आ जाएगा। और रिजल्ट आने के पहले ही बहुत सारा लोग हमसे ये भी पूछे, भैया कट ऑफ इस बार आप नहीं डाले, तो उसका कुछ रीज़न था जिसके चलते हम कट ऑफ नहीं डाल रहे थे, लेकिन आज आपको मोटा मोटी एक संभावित कट ऑफ बता दे रहे हैं। जैसे मद निषेध में हम यहाँ बताए थे सभी लड़का लोग को, सेम वही कट ऑफ गया है और दरोगा भी था सेम वही। ये भी जहाँ तक मुझे अनुमान है कि जो मैं कट ऑफ बताऊँगा मेरे ख्याल से वो सेम ही जाएगा, क्योंकि बहुत लड़का पास हुआ है, बहुत लड़का ये भी वहाँ बता रहा है कि ना हम इतना ही मारे हैं, लेकिन उसको पता थोड़ी चलता है ग्राउंड का समय क्या है और वहाँ का समय क्या है। वहाँ के समय में आपको एक सेकंड से आपका 10-10 नंबर छूटा है। बहुत लड़का ऐसा है जो ग्राउंड में बहुत 15 में मारता था, 10 में मारता था, वहाँ जाने के बाद वो छूट गया है। तो इसलिए कट ऑफ मेरे ख्याल से जो हल्का बढ़ेगा ये तो संभावना ही है। जैसे मद निषेध का था तो 4 गुना लड़का पास, तो उसमें कट ऑफ बढ़ा, इसमें भी लड़का पास है, अच्छा खासा लड़का पास है। और मेरे जहाँ तक उम्मीद है हमें कि कट ऑफ फायरमैन का जो जनरल का होगा वो 78 से 80 के बीच में जाने की संभावना है। 78 से 80 के बीच में अगर आपका है तो आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए। कोई भी और जिस 80 चाहे 82 जिसका कोई भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो सबका मेरिट बनेगा। और रही और इधर BC का है तो BC का भी आपको 74 से 76 चाहिए, उसमें नो डाउट उससे नीचे होगा तो आपको संशय में है, लेकिन उसके ऊपर जिनका भी है 2 नंबर अधिक है तो आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि बहुत सारा लोग पास के कगार पर भी थे और बहुत सारा लोग जो अच्छा नंबर लाए हैं, हाई जंप सबको बेहतर हुआ है वहाँ। और EWS का जो है 72 नंबर 70 से 72 जाने की संभावना है, EWS 70 से 72 जा सकता है। और इधर SC ST है तो 68 से 70, मतलब 68 के नीचे मेरे ख्याल से किसी का नहीं जाएगा। 68 के नीचे कोई भी क्रेडिट फ्रीडम फाइटर है तो वो भी 68 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ जो हम लोग देखे हैं लड़की लोग का, तो लड़की लोग जो आपको 3 दिन पहले का था उसमें लगभग 1400 लोग पास किया था, और एक दिन जो 19 तारीख जो 18 या 19 को था एक दिन लड़की लोग का फिर लास्ट में बुलाया गया था, उस दिन भी 100 लड़की थी, तो उसमें से भी कुछ लोग पास की हुई है और टोटल सीट है 2380। तो इसलिए जितना हम कट ऑफ जो बताए हैं और रिजल्ट का जो संभावित डेट दिए हैं वो सेम आपको 100% है। अगर कट ऑफ उसके आपको समकालीन है तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, निस्वस्थ रहिए, आपका रिजल्ट 100% आएगा। जैसे कि हम 84 से 15 में बताए थे सेम है, तो ये भी आप लोग यकीन के साथ हम कह रहे हैं कि 100% विश्वास दिलाते हैं आपका उसके ऊपर है तो आपका रिजल्ट आएगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और रही बात कि हमारे एकेडमी द्वारा 4 साल होने के उपलक्ष्य में एक 1600 मीटर महाकुंभ का प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें सभी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनका 1600 मीटर का हम लोग दौड़ कराएंगे। और उसमें हमारे एकेडमी द्वारा ट्रैक सूट मोमेंटो और एक कुछ इनाम की राशि भी है, वो सब दिया जाएगा 10 तारीख को सुबह 6 बजे, रिपोर्टिंग टाइम है। आप सभी से यही आग्रह है, आप सभी लोग आइए और इस प्रतियोगिता के सफल बनाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, सदैव साथ रहेगा। आप लोग आइए, हम लोग यहाँ आपका इवेंट कराएंगे और उसमें आप सबका हुनर का हम लोग अफजाई करेंगे, कितना आप में जोश जुनून है, कितना आप रनिंग कर सकते हैं बेहतर, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। लड़का को अफजाई करने के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि आपका आगे का जो रणनीति है उसको 100% सफल बनाइए और अपने जीवन के प्रति हमेशा जागरूक रहिए। और संस्थान से जुड़ने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, और बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। जय हिंद।